वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेव बटिस्टा के बारे में कि क्या हमें डेव बटिस्टा की वापसी देखने को मिलेगी रॉयल रंबल के मैच में, और हम बात करने वाले हैं एनएक्सटी के टैलेंट्स के बारे में कि ऐसे एनएक्सटी के सुपरस्टार जो हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल के मैच में, और हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर के मैच के बारे में कि फिन बैलर की जीत को लेकर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो सामने आई है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो आ सकते हैं रॉयल रंबल के मैच में, मतलब जो एनएक्सटी के सुपरस्टार आ सकते हैं रॉयल रंबल के मैच में। तो यहाँ पर पहले एनएक्सटी के सुपरस्टार जिसका नाम टॉप पर चल रहा है, और इस सुपरस्टार का नाम है अलेस्टर ब्लैक। जी जैसे कि मुझे आपको पता है कि ये सुपरस्टार एनएक्सटी में बहुत ही धूम मचा रहा है। जी हाँ, एक तरह से बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बना हुआ है एनएक्सटी में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमें ये सुपरस्टार देखने को मिलेगा रॉयल रंबल के मैच में। तो यहाँ पर एक और सुपरस्टार है जो आ सकता है रॉयल रंबल के मैच में, और इस सुपरस्टार का नाम है वेलवेटीन ड्रीम। जी हाँ, ये दो सुपरस्टार्स हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल के मैच में, और बाकी सुपरस्टार्स भी अपना डेब्यू कर सकते हैं जैसे EC3, लार्स एलेवेंस। तो हम बात करने वाले हैं डेव बटिस्टा के बारे में कि क्या हमें डेव बटिस्टा की वापसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही रूमर चल रही है कि हमें डेव बटिस्टा देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के मैच में। तो यहाँ पर WWE मेंशन कर रही थी डेव बटिस्टा की जर्नी, मतलब क्या क्या डेव बटिस्टा ने हासिल किया है वो मेंशन कर रही थी WWE। तो बटिस्टा ट्विटर पर उसी चीज़ को मेंशन करके हुए लिखते हैं कि अब तक तुमने देखा क्या है, मतलब ये है कि अब तक तुमने वो चीज़ें नहीं देखी। तो ये मानना है बटिस्टा के इस ट्वीट का। तो यहाँ पर जब से ये ट्वीट सामने आया है तब से इसके बहुत चांसेस आ रहे हैं कि मैं शायद बटिस्टा की वापसी देखने को मिल सकती है रॉयल रंबल के मैच में, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि बटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच का मैच बहुत ही टाइम से टीज हो रहा है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि बटिस्टा रॉयल रंबल में आकर और स्टोरी लाइन स्टार्ट करेंगे ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा की मैच की। तो हम बात करने वाले हैं फिन बैलर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में। तो यहाँ पर इस मैच में बहुत चांसेस हैं कि हमें फिन बैलर की जीत देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर डिमन किंग आया तो। तो यहाँ पर फिन बैलर यहाँ पर मानकर ही बैठे हैं कि मैं यहाँ पर इस मैच में जीतूंगा। जी हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी सारे पिक्चर्स अपलोड करते हैं जिसका ये मानना होता है कि मैं जीतूंगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि फिन बैलर ने ये फोटो पोस्ट की, ये फोटो तब की है जब वो जीते थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप समर स्लैम में। पर एक और स्टोरी अपलोड की आप देख सकते हैं अभी कि वो ब्रॉक लेसनर को अपनी फिनिशर मूव डाल रहे हैं, और ऐसे ही कई स्टोरीज और कई इंस्टाग्राम के पोस्ट डालते रहते हैं फिन बैलर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। मतलब यहाँ पर फिन बैलर को पूरा भरोसा है कि वो जीतेंगे ये मैच और बनेंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो यहाँ पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है कि WWE कैसे सोचती है इस मैच के बारे में, कि WWE सोचती है कि ब्रॉक लेसनर को हारना सही रहेगा या फिर इस मैच में हमें देखने को मिलेगी ब्रॉक लेसनर की जीत। तो मुझे कमेंट करके बताया कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताया कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में किसकी जीत होगी, ब्रॉक लेसनर की या फिर फिन बैलर की। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी तो लाइक करें, और WWE की डर जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल को भी दबा दें। With the